सहित आम आदमी पार्टी का भी बेहतर प्रदर्शन। जामनगर निगम की 64 सीटों के लिए काउंटिंग पूरी, बीजेपी ने 50 सीटें जीती, कांग्रेस के खाते में 11 सीट। राजकोट में बीजेपी ने 68 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की, कांग्रेस 4 सीट पर सिमटी। सूरत में आपको 27 सीटें मिली, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, बीजेपी के खाते में 93 सीटें। वडोदरा के 76 सीटों में बीजेपी के पास 69 सीटें आई, कांग्रेस केवल 7 सीट ही हासिल कर सकी। भावनगर निगम में बीजेपी ने 52 में से 44 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ जामनगर निगम की 64 सीटों के लिए काउंटिंग। गुजरात में 6 नगर निगमों में हुए चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत, आम आदमी पार्टी का भी बेहतर प्रदर्शन। जामनगर निगम की 64 सीटों के लिए काउंटिंग पूरी, बीजेपी ने 50 सीटें जीती, कांग्रेस के खाते में 11 सीट। राजकोट में बीजेपी ने 68 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की, कांग्रेस 4 सीट पर सिमटी। सूरत में आपको 27 सीटें मिली, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, बीजेपी के खाते में 93 सीटें। वडोदरा के 76 सीटों में बीजेपी के पास 69 सीटें आई, कांग्रेस केवल 7 सीट ही हासिल कर सकी। भावनगर निगम में बीजेपी ने 52 में से 44 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 8 सीटें आई हैं। गुजरात में जीत को लेकर प्रधानमंत्री ने जनता का शुक्रिया अदा किया, कहा विकास और गुड गवर्नेंस वाली राजनीति के साथ है जनता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा इस विकास यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई थी। अमित शाह ने कहा बीजेपी ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उन्हें 85% सीटें जीती, कांग्रेस को करारी हार मिली। गुजरात में बहुमत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आभार जताया, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। सूरत में शानदार प्रदर्शन के बाद आपके कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, बीजेपी को 93 सीटें मिली हैं। जीत पर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता को शुक्रिया कहा, 26 फरवरी को सूरत में रोड शो करेंगे। गुजरात निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी का शानदार प्रदर्शन, रात 9 बजे तक अहमदाबाद में 7 सीटें जीती।